गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज हैं 3 सितंबर और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। सीईटी की परीक्षाएं दिसंबर व फरवरी में, बेरोजगारों को विज्ञप्ति का इंतजार। प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार इस प्रक्रिया का कर रहे हैं इंतजार। दोस्तों, अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट है तो आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं पूरी अपडेट, और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है कुकिंग कन्वर्जन राशि व पोषाहार सहायिकाओं के मानदेय का 6 माह से अटका है भुगतान। राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी किया बीए का परिणाम, राजस्थान यूनिवर्सिटी। आयुर्वेद छात्रों को शोध के लिए मिलेंगे 50,000 रुपये। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित है ये सत्यापन दस्तावेज, सत्यापन जांच है तो ये विज्ञप्ति यहाँ पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं पूरी विज्ञप्ति। ये रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित है, ये भी आप देख सकते हैं। अग्निवीर के लिए अप्लाई करने की आज आखिरी तारीख, युवा जांच सकते हैं अपने फॉर्म। भारतीय सेना की सेना भर्ती। जेई एडवांस की प्रोविजनल आंसर की आज होगी जारी। शिक्षा विभाग तबादला सीजन, तबादलों के बाद अब संशोधन का सिलसिला। 100 से ज्यादा लेक्चरर के स्कूल बदले। डिजिटल दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य, उन शिक्षण संस्थान इसे स्वीकार करें। सीबीएसई ने यूजीसी सचिव को लिखा पत्र, विद्यार्थी हो रहे परेशान। सेकेंडरी में 54.82 और सीनियर सेकेंडरी के 68.05% परिणाम, परीक्षार्थी पास। शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया पूरक परीक्षा का परिणाम। सेल अटेंडेड कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की 146 पदों पर भर्ती। यूपीएससी में 19 पदों पर निकली नौकरियां। बीएसएफ, एएसआई और एचसी के 323 पदों पर जॉब्स। पूरी अपडेट यहां पर आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। बीएचईएल में अप्रेंटिस के पदों पर बम्पर वैकेंसी। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने कुल 575 पदों के लिए आवेदन मंगवाए। ये दोस्तों समसामयिकी के प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं आराम से वीडियो को रोक करके। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आईएमओ सहायक सर्जन पदों पर नौकरी के अवसर। 23 सितंबर अंतिम तिथि। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली यहाँ पर अपडेटें मिलती रहे। प्रबंधक सहित अन्य पदों के लिए निकली भर्ती। 12 सितंबर अंतिम तिथि। बाड़मेर जिले में कब बंद होगी तबादला। शिक्षकों की कमी पर 4 स्कूलों पर जड़ दिए ताले। विश्व में पहचान दिलाने वाले विषय पर नई सरकार का ध्यान। शिक्षकों के तबादले से असंतोष, प्रदेश भर में प्रदर्शन। ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल 12 से। शिशु की मृत्यु पर अब 7 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश। फैसला, महिला कर्मियों को भावात्मक संबल। शिक्षा मंत्री से मुलाकात, तबादलों में पुरुष का शिक्षकों को प्राथमिकता की मांग। तबादले की मांग को लेकर 7 सितंबर से आंदोलन। प्रयोगशाला सहायक भूगोल गृह विज्ञान सिद्धि भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। एनसीईआरटी की रिपोर्ट, विद्यालयों के नामांकन में 2025 तक गिरावट का दौर जारी रहने के आसार। नए सेवा नियमों से व्याख्याता, पदोन्नति की मांग, दिया धरना। शिक्षा विभाग के कार्यालय तो खोल दिए, कई अधिकारी नहीं तो कई ऑफिस। राजकीय कॉलेजों में प्रवेश का इंतजार।
डिप्लोमा में 55 में से 52 विद्यार्थी फेल, शेष 3 भी ग्रेस से पास। जोधपुर, विद्यार्थियों की विशेष कॉपी जांच की मांग, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। वीडियो भर्ती 6 सितंबर से, दस्तावेज की जांच 6 से 22 सितंबर के बीच होगी। सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची जारी। स्कूलों में 15 सितंबर तक चलेगा स्वच्छता पखवाड़ा। एसआई भर्ती, 1.5 साल से चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू का इंतजार। फरवरी 2021 में आरपीएससी ने निकाली थी 859 पदों पर विज्ञप्ति। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूरक परीक्षा का परिणाम जारी। सहायक आचार्य अर्थशास्त्र के साक्षात्कार पत्र जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, देख सकते हैं आप, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। पंचायत सहायकों को नहीं मिल रहा है मानदेय। 115 व्याख्याताओं के तबादले की 5 और सूचियां जारी। जेई एडवांस की प्रोविजनल आंसर की आज फीडबैक 4 तक। बीट्स काउंसलिंग का रिवाइज शेड्यूल जारी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।